हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं घर से, एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, आराम से कैंपिंग भी कर सकते हैं, साथ में आप वहाँ पर मतलब एक रिवर भी है, बहुत ही खूबसूरत रिवर है। तो वहाँ पर आप अपना जो है वेकेशन है वहाँ पर मना सकते हैं। तो हम जा रहे हैं वहीं पर आज। जगह का नाम आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊँगा, इसके बाद ही बताऊँगा, वहाँ पे जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज जो है हम जाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड डीलर के साथ कोलैब्स करके। तो अभी हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड डीलर में, जो कि नगाँव में है, बजरंग डीलर। तो वहाँ से हम कुछ लोग निकलेंगे, 5 या 6 बाइक निकलेंगे वहाँ से। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को वहीं पर जाके मिलते हैं। सुबह सुबह बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, और मज़ा तो रात में भी आता है जब मतलब सन्नाटा हो जाता है। तो अभी मैं जो जिस जगह पे जा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि वहाँ पे उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिमा हासाओ में पड़ता है। तो आप लोग गैस कीजिए कि कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। सुबह सुबह देख सकते हैं रोड एकदम खाली हुआ पड़ा है, हम अभी पहुँचने वाले हैं। देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड के जिला पे। यहाँ पर मतलब अभी कोई आया ही नहीं है, क्योंकि मैं ही पहले सबसे पहले आया हूँ यहाँ पर। तो वो लोग आ रहे हैं अभी, कॉल किया है उन लोगों को, तो थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पर चल रहा है कुछ अनलोडिंग वगैरह। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा टीम लीडर के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टीम लीडर लेट। इतना लेट क्यों हुआ भाई, मतलब क्यों इतना लेट हुआ आप बताइए तो। आपने बोला 6 बजे आने के लिए, अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहे हैं। हो गया, हो गया। और बाकी का लोग कब आएगा? तो हम और थोड़ा वेट करते हैं, और उन लोगों के लिए, बाकी जो लोग आने वाले हैं उनके लिए वेट करते हैं। इसके बाद जो है राइड स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान वगैरह वहीं पे लेके जाएंगे, चेयर वगैरह देख सकते हैं। तो अभी मतलब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो और क्या, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया है, इस पर मेरा डिटेल वगैरह है, और हर एक को ये फिलअप करना होगा। और उनके तरफ से मुझे मिला है ये वाला स्टिकर, जो कि बहुत ही प्यारा है। ऑलराइट गाइस, हम निकल चुके हैं अपने राइड के लिए। और हम जो है रास्ता कवर करने वाले हैं बाईपास से होके। हम चलेंगे पानीमूर के रास्ते से होके, 29 किलो तीनियाली से होके हम गुजरेंगे डायरेक्ट डिमासाऊ में। तो वहाँ पे ही हमारा जो है डेस्टिनेशन है। तो अभी हमारा सारे राइडर्स आ चुके हैं ट्रैक पे, और राइड शुरू हो चुका है। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो को, और लास्ट में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो, क्या पता जाएंगे कहां। खुली है जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे। वेलकम टू उमरांगशु गाइस। ये जो आप लोग उमरांगशु स्पॉट देख रहे हैं, ये डिमा हासाओ के सबसे बड़ा दूसरा वाला शहर है। तो गाइस, ये जो लेक आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये कोपिली रिवर से मतलब ज्वाइन होता है। और ये जो लेक है, ये लेक मतलब कोई नेचुरल लेक नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, जो कि नेपचो डैम द्वारा बनाया गया है।
जब मतलब यहाँ पर पानी का मात्रा हाथ से बढ़ जाता है तो ये जो नेपचो डैम है उनका उसका पानी जो है छोड़ दिया जाता है, इसके वजह से यहाँ पर पानी हो जाता है और यहाँ का उसके वजह से जो है ये जो लेक है ये बना है और ये लेक आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पर जो फैल्कन फेस्टिवल होता है ये इसी मतलब इसी प्लेस पे होता है कि जो उमरांगशो गोल्ड फील्ड है इसी प्लेस पे होता है। और ये उमरांगशो जो फील्ड है यहाँ पर गोल्फ की कोर्स भी कराया जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मतलब आप लोग जहाँ पे भी मन चाहे यहाँ पर आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप लोग परमिशन लेके यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर एंट्री करेंगे यहाँ पर आप लोगों को कुछ फीस देना होता है। आप लोग चाहे तो आप बाइक से आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं या बड़ा वाला गाड़ी से आ सकते हैं, सबका अलग अलग रेट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं तो इसके लिए हमें पर हेड 20 रुपीस पड़ा है। तो आप लोग कहीं पे भी मतलब यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ मतलब पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ पर आने पे। तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग यहाँ पर आइए और आपका जो टाइम है आप यहाँ पर बिता सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था। यहाँ पर हमारा खाना बन रहा देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी में हमारा जो है सारा का सारा सामान लेके आया ही मैं यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर भी हमारा कुछ लोग है देख सकते हैं यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है गाड़ी लेके गया था घूमने के लिए। तो कैसा लगा ये जगह? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। तो मेरे व्यूअर्स को आओ क्या करना कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहते हो कि सब लोग यहाँ पे आओ, जगह एंजॉय करो, बहुत ही मस्त जगह भाई। तो अभी हम जो है खाना खाने के लिए जाएंगे, बहुत ही भूख लगा है क्योंकि हम जो है यहाँ पर 150 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल करके आए हैं यहाँ पर। और भाई का यहाँ पर पहली बार मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, तो मैंने तो पहले ही कर रखा है इतना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रखा है, पर ये यहाँ पर भाई का फर्स्ट टाइम है। तो अभी जो है हम यहाँ पर खाने के लिए जाएंगे, बाकी का लोग जो है यहाँ पर बैठ गए खाने के लिए, तो वो सीट खाली होने के बाद हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब व्यू भी बहुत अच्छा खासा है और यहाँ पर नहाने की भी जगह है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर नहा भी सकते हैं। तो हम खाने के बाद नहाएंगे ना? हाँ नहाएंगे, हम खाने के बाद यहाँ पर नहाएंगे भी। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पर साइड में जाके यहाँ पर नहाना सेफ है कि नहीं है, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे,